शुभमन गिल ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर की पहली 50 को शतक में तब्दील कर दिया है। 63 गेंद, 1/2/6 रन, 1/2 चौके, 7 छक्के, 2/0/0 का स्ट्राइक रेट। साल 2023 में अब तक भारत के लिए खेलते हुए शुभमन गिल के नाम 3 शतक और 1 दोहरा शतक दर्ज हो चुका है। वनडे करियर का उनका सर्वाधिक स्कोर 208 और T20 इंटरनेशनल करियर का सर्वाधिक स्कोर 126 गिल ने 15 दिनों के भीतर बनाया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में 35 गेंदों पर 50 रन पूरे करने के बाद अगले 76 रन गिल ने केवल 28 गेंदों पर बना दिए। यह T20 इंटरनेशनल में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर है। शुभमन गिल के 126 से पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था। विराट के बल्ले से 122 रनों की पारी आई थी। शुभमन गिल के नाम वनडे में दोहरा शतक, टेस्ट और T20 में शतक दर्ज हो गया है। असल मायनों में फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, यूं ही उन्हें प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट नहीं कहा जाता। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ निर्णायक तीसरे T20 में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले ओवर की 5वीं गेंद बेन लिसन ने काफी बाहर फुलर लेंथ की डाली। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खूबसूरत ड्राइव के जरिए करारा चौका जड़कर गिल ने अपना खाता खोल लिया। इस शॉट से अंदाजा हो गया था कि आज यह बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आया है। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन LBW हो गए, लेकिन उसी ओवर की अंतिम गेंद पर गिल ने माइकल ब्रेसवेल के खिलाफ कवर की दिशा में बैकफुट पंच पर चौका लगा दिया। क्लास अपार्ट। लॉकी फर्ग्यूसन ने तीसरे ओवर की 4थी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ की रखी। स्क्वायर ऑफ द विकेट बाउंड्री, जिस चीज को गिल छू रहे थे वह सोना बन रहा था। समझ आ रहा था कि यह बल्लेबाज आज पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाने की फिराक में है। 5वें ओवर में टिकने के खिलाफ शुभमन गिल ने पूरा भौकाल कर दिया। दूसरी गेंद फुल ऑन द पैड्स और बदले में विकेट की दिशा में फ्लिक शॉट पर चौका। तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कुछ ज्यादा ही फुल लेंथ थी। क्रिकेट टेक्स्टबुक ऑफ ड्राइव, मिड ऑफ फील्ड चौके की खूबसूरती दिखाने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। 5वीं गेंद शॉट पिच और फ्रंट ऑफ द स्क्वायर चौका। इस ओवर में गिल ने अपनी बल्लेबाजी से जानते थे कि अभी काम अधूरा है और वह किसी भी सूरत में शतक बनाने के लिए तैयार नजर आ रहे थे। 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर ह्यूसन ने लेग पर डाली और बल्ले में बीच में विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। 15वें ओवर की अंतिम गेंद मिचेल सैंटनर ने फ्रैक्शन शॉट डाली और बदले में पॉइंट की दिशा में ट्रैकिंग बाउंड्री के बाहर। क्रिकेट की भाषा में इसको इसी के साथ शुभ मंडल की T20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक पूरा हो गया। शतक पूरा करने के बाद अक्सर खिलाड़ी विकेट गंवा देते हैं, लेकिन गिल ने अगली फुल लेंथ बॉल को डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए भेजकर अंतिम ओवरों में भी धमाकेदार बल्लेबाजी का इशारा दे दिया। बेन लिस्टर ने 19वें ओवर की दूसरी गेंद यॉर्कर अराउंड ऑफ डाली। गिल ने बल्ले का फेस खोला और शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर को बीट करते हुए चौका हासिल कर लिया। ताकत और नजाकत का खूबसूरत मिश्रण। 63 गेंदों पर 200 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 126 रन जड़कर गिल ने साबित कर दिया कि वह क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भी दम दिखाएंगे। बतौर सलामी बल्लेबाज लगातार टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत दिलाएंगे। गिल की आक्रामक बल्लेबाजी का ही परिणाम रहा कि भारत ने 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 234 का विशाल स्कोर बना दिया। अगर आप भी टीम इंडिया को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।